राजगृही नगरी के बाहर जंगल है। उस जंगल में तापसों का आश्रम है। उसी जंगल में 700 हाथिनियों के साथ युद्धपति हाथी रहता है। अपनी जगह दूसरा हाथी न ले, इसलिए जब भी बच्चे को जन्म होता है उसे युद्धपति हाथी मार डालता है। एक बार एक हाथिनी हाथी को जन्म देती है और चुपचाप आश्रम में चली जाती है। तापसों भी उसे आश्रम में रहने देते हैं। उस हाथी का नाम रखा जाता है सेचनक। सेचनक बड़ा होता है, युद्धपति हाथी के साथ युद्ध कर उसे मार देता है। भविष्य में कोई हाथी नहीं आश्रम में सहारा लेने ना जाए, इसलिए सेचनक उस आश्रम को ही तोड़ देता है। सब तापस मिलकर राजा सैनिक के शिकायत करते हैं। राजा सैनिक सेचनक हाथी को पकड़ते हैं और अपनी हस्तीशाला में बांध लेते हैं। तापस सेचनक को कहते हैं, देखा हमारा आश्रम तोड़ने का फल, तुझे यहाँ बंधन में रहना पड़ा। यह सुनकर सेचनक को भयंकर क्रोध आता है। वह सभी बंधन तोड़ देता है और जंगल की ओर दौड़ लगाता है। राजा सैनिक के सैनिक उसे पकड़ने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी वह नहीं पकड़ा जाता। तभी राजकुमार नंदीसेन आते हैं और सेचनक को कहते हैं, शांत हो। नंदीसेन को देखकर सेचनक शांत हो जाता है। इस घटना के थोड़े दिन बाद परमात्मा महाविश्वामी का राजगृही नगरी में आगमन होता है। राजा सैनिक परमात्मा को वंदन कर पूछते हैं, उन्मत्त हुआ सेचनक हाथी नंदीसेन का एक वाक्य सुनकर शांत हो गया, ऐसा क्यों हुआ? उत्तर में परमात्मा नंदीसेन का पूर्व भव कहते हैं। एक श्रीमंत सेठ यज्ञ करवाते हैं और यज्ञ में 900,000 ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रित करते हैं। इस पूरे आयोजन की व्यवस्था हेतु एक सेवक को रखते हैं और कहते हैं, इस काम के बदले में भोजन समारंभ पूर्ण होने के पश्चात जो भी बचा होगा वह सब दे दूंगा। धाम-धूम से यज्ञ की समाप्ति होती है। पूरा कार्यक्रम पूर्ण होने पर बचा हुआ सभी भोजन उस सेवक को मिलता है। वह सेवक साधर्मिकों को बुलाता है और अपने हिस्से में आए भोजन द्वारा साधर्मिक भक्ति करता है। मजा आ रहा है ना? ऐसी और भी मनपसंद और ज्ञान देती एनिमेटेड फिल्म देखने के लिए जैन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और जिन शासन के महापुरुषों का परिचय देती सचित्र पुस्तक श्रेणी पाने के लिए संपर्क करें। 1, 2, 3, 4, 4, 6 आपके संतानों के जीवन में संस्कार का सिंचन करने वाली सचित्र पुस्तकें लेना ना भूले। हमारी चल रही ज्ञानवर्धक प्रवृत्ति जानने के लिए लॉग ऑन करें www.jainonline.org। उसी अवसर में मासक श्रमण के तपस्वी मुनि आते हैं और सेवक पूर्ण भाव से हो रहता है। वह यज्ञ कराने वाला श्रीमंत यानी हाथी का जीव, साधारणिक भक्ति और सुपात्र दान कराने वाला सेवक यानी नंदीसेन। अपना पूर्व भव सुनकर नंदीसेन को वैराग्य होता है। माता पिता की अनुमति लेकर प्रवज्ञा के लिए राजमार्ग पर जाता है। तब आकाश में देवी प्रकट होती है और कहती है, नंदीसेन तेरे भाग्य में अभी दीक्षा नहीं है। नंदीसेन कहता है, मैं कायर नहीं हूँ कि भाग्य से डरकर संसार में बैठ जाऊं। मजबूत मन का नंदीसेन परमात्मा से संयम का स्वीकार करते हैं और छठ अठम अट्ठाई आदि तप करते हैं। फिर भी जब कर्मा उदय होता है तब नंदीसेन मुनि सोचते हैं कि मैं इतना तप करता हूं, फिर भी कर्म का नाश नहीं होता, इसलिए संयम छोड़ने की जगह मेरा शरीर छोड़ दूं, यही सही उपाय है। और नंदीसेन मुनि एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ते हैं और नीचे कूदने जाते हैं। तभी फिर से वही देवी प्रकट होती है और कहती है, याद करो
मैंने आपको उस समय भी दीक्षा लेने से मना ही किया था। इस तरह मर जाने से क्या आपके कर्म भी नष्ट हो जाएंगे? नंदीसेन मुनि वापस लौट जाते हैं। एक दिन छठ के पारने गुजरी भरने के लिए गलती से एक गणिका के घर पहुंच जाते हैं और धर्मलाभ कहते हैं। गणिका कहती है, महाराज मुझे धर्मलाभ नहीं धनलाभ चाहिए। नंदीसेन मुनि घास के एक तिनके को हाथ में लेते हैं और तप लब्धि के प्रभाव से उसमें से सुवर्ण मुद्राओं की वर्षा करते हैं। गणिका यह चमत्कार देखकर नंदीसेन मुनि को दोनों हाथ जोड़कर विनंती करती है, अब आपको यहीं रुक जाना होगा। निकाचित कर्मों का उदय होने के कारण नंदीसेन मुनि वहीं रुक जाते हैं, लेकिन एक अभिग्रह धारण करते हैं। हर रोज 10 व्यक्ति को प्रतिबोध कर परमात्मा महावीर स्वामी के पास दीक्षा दिलाने के बाद ही भोजन करूंगा। नंदीसेन हर रोज 10 व्यक्तियों को प्रतिबोध करते हैं। इस तरह 12 वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन 9 लोग प्रतिबद्ध हुए, लेकिन 10वां व्यक्ति प्रतिबोध नहीं हो रहा था। दोपहर हुई, भोजन का समय हुआ, तब गणिका आकर कहती है, चलिए भोजन कर लीजिए। नंदीसेन कहते हैं, लेकिन यह 10वां व्यक्ति प्रतिबोध हो तभी आ पाऊंगा। गणिका हंसते हंसते कहती है, तो 10वें आप? और तुरंत नंदीसेन खड़े हो जाते हैं। कर्म भी नष्ट हो जाने के कारण वे तुरंत परमात्मा के पास पहुंचते हैं और संयम का स्वीकार करते हैं, अपने पापों की आलोचना करते हैं, निर्मल संयम का पालन कर देवगति को प्राप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, हम भी परमात्मा महावीर स्वामी के अनुयायी हैं। जीवन में नंदीसेन की तरह छोटी बड़ी कोई भी भूल हो जाए, पाप हो जाए, तो गुरु भगवान के पास जाकर उसकी आलोचना प्रायश्चित करना चाहिए, जिससे हमारे कर्मों का नाश होता है, चारित्र मिलता है, देवगति और मोक्ष गति प्राप्त होती है।